रुको जरा, सबर करो। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी आप लोग स्टार्टिंग पे क्लिप देखा है कि मैं पबजी लाइट को विदाउट वीपीएन प्ले कर रहा हूँ। एंड इस वाली वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग पबजी लाइट को विदाउट वीपीएन कैसे प्ले कर सकते हो। जो इस वाली वीडियो में आप लोग को न्यू ट्रिक बताऊंगा इससे कि आप लोग यार पबजी लाइट को विदाउट वीपीएन खेल पाओगे। एंड यार ये एक दो ट्रिक नहीं होगा, मैं आप लोग को 3 ट्रिक बताऊंगा। जो कि एक होगा इससे कि आप लोग स्पेशली वाईफाई वाले जो भी प्लेयर्स आप लोग विदाउट वीपीएन खेल पाओगे। एंड दो और जो भी ट्रिक हो इससे यार जो भी सिम कार्ड का डाटा यूज करता है आप लोग उसके लिए भी 2 ट्रिक है जिससे कि आप लोग यूज़ करके पबजी लाइट को विदाउट वीपीएन खेल पाओगे बिना किसी यार एरर के। जो कि आप लोग बस इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। और यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को वाईफाई का ट्रिक बता सकते हो कि आप लोग विदाउट वीपीएन खेल पाओगे। एंड उसके बाद आप लोगों को सिम कार्ड वाला भी ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहना। एंड यार जो भी वाईफाई वाले प्लेयर अपना गेम ओपन करना हो बिना किसी वीपीएन को कनेक्ट करें, जिसके यहाँ पर कुछ भी वीपीएन कनेक्ट नहीं कराया एंड अपना जो भी गेम यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और आप लोग अपना गेम ओपन करना है वाईफाई का, ठीक है वाईफाई वाले प्लेयर, तो आप लोग वाईफाई से अपना गेम ओपन करना है। और आप लोग वाईफाई वाले प्लेयर तो आप लोग को पता है कि वाईफाई में 2 बैंड होते हैं, एक अपना 4G बैंड होता है और एक अपना 5G बैंड होता है। तो आप लोग 4G बैंड को ओपन करना है और आप लोग का सर्वर स्टिकर एरिया आधार है, ठीक है जो मैं यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहा, देखते मैंने कुछ भी वीपीएन है कुछ भी आधार ऐप बैकग्राउंड में नहीं है। तो सिंपल से आप लोग ज़्यादा कुछ सिंपल से ओके पे क्लिक करना है और जैसे आप लोग का वाईफाई हो, ठीक है, उसको रिबूट या आप लोग जो भी रीस्टार्ट बोलते हो आप लोग को कर देना है, ठीक है। आप लोग रिबूट एंड रीस्टार्ट कर लेते हो, उसके बाद जो भी आप लोग का वाईफाई का बैंड होता है, ठीक है, आप लोग को 4G बैंड से आप लोग को 5G बैंड पर स्विच करना है। जो कि अभी आप लोग जैसे मैंने जो भी वाईफाई मैंने इसको रिबूट कर दिया है, ठीक है, और मैं इसको 4G बैंड से 5G बैंड पर स्विच करूँगा। और जैसे आप लोग स्विच करो, ठीक है, जैसे आप लोग का वाईफाई का नेटवर्क आ जाए, सिंपल से आप लोग को उसी टाइम 0.01 सेकेंड आप लोग लॉगिन पर क्लिक करना है और आप लोग का इजी वे में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जो कि आप देख सकते हो मेरा इजी वे में यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, ठीक है, जो कि मैंने 0.01 सेकेंड पर क्लिक करा है एंड मेरा इजी वे में लॉगिन हो चुका है, जो कि आप लोग का भी इजी वे में लॉगिन हो जाएगा। बट यहाँ पर मुझसे बहुत सारे भाई बोले कि मैंने यहाँ पर वीडियो को कट कराया, मैंने यहाँ पर वीपीएन वगैरह लगाया है, तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, मैंने कुछ भी कट वगैरह नहीं करा है। एंड अगर ऊपर की बात कर देखते हो मैं कुछ भी वीपीएन कनेक्ट नहीं है, तो इस साइड से मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैंने ऊपर में कुछ भी वीपीएन कनेक्ट नहीं करा रखा, जिसमें कुछ भी वीपीएन नहीं। और मैं आप लोग को बैकग्राउंड ऐप भी आप लोग को चेक करके दिखा दूँ ताकि आप लोग का जो भी शक है वो दूर हो जाए कि मैं देखते हैं विदाउट वीपीएन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक था, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो का अगेन एक बार देख लेना, अगर नहीं आया तो मैं आप लोग को एक बार और बोल के समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल से आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आप लोग का गेम हो वाईफाई से ओपन करना है, जैसे आप लोग को रेस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाए, ठीक है, उसका आप लोग को जो वाईफाई होता है उसको रिबूट करना है और उसके जैसे आप लोग का वाईफाई रिबूट होकर मतलब स्टार्ट हो जाए उसका आप लोग को 4G बैंड से 5G बैंड पर स्विच करना है। और जैसे आप लोग का डाटा आ जाए अपने फ़ोन के अंदर, सिंपल से आप लोग 0.01 सेकंड पर आप लोग क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना, आप लोग का जो गेम होगा इजी में ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे कि आप लोग वाईफाई वाला प्लेयर विदाउट वीपीएन खेल पाओगे अपने पबजी लाइट को। जो कि इस वाले ट्रिक का आप लोग यार यूज कर सकते हो। तो गाइस जब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिम कार्ड वाले प्लेयर्स पबजी लाइट को विदाउट वीपीएन कैसे खेल सकते हो, तो उसका ये बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है जो कि आप लोग को पता होगा, मैंने इसके ऊपर मैं 2 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है एंड तीसरा जो वीडियो मैं इसके ऊपर अभी बनाने वाला हूँ। तो जो 2 वीडियो मैंने बनाया रखा उसमें बहुत सारे भाइयों का जो था विदाउट वीपीएन चल गया था एंड कुछ भाइयों का नहीं चला था, तो दोनों वीडियो का जो लिंक होगा आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो आप लोग दोनों वीडियो को चेकआउट करना है एंड दोनों से कोई ना कोई ट्रिक तो आप लोग को डिवाइस में वर्क कर ही जाएगा एंड उससे आप लोग विदाउट वीपीएन खेल पाओगे सिम कार्ड वाले प्लेयर। तो एक बार जो भी लिंक होगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वीडियो को जो से आप लोग चेकआउट कर लेना, उसमें से एक कोई ना कोई ट्रिक तो आप लोग वर्क कर जाएगा, नहीं कर तो आप लोग कमेंट बताना। आज से 2 से 3 दिन के बाद एक न्यू वीडियो आ जाएगा जो कि होगा विदाउट वीपीएन प्ले करने में और इसमें आप लोग को फुल एक्सप्लेन कर दूंगा सिम कार्ड वाले प्लेयर से आप लोग प्लेयर को कैसे विदाउट वीपीएन खेल पाओगे। वैसे तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो कि आप लोग चेकआउट कर लेना, उससे मेरे 99% चांसेस है कि आप लोग का चल जाएगा। अगर नहीं चलता तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग उसका वेट कर सकते हो। और फिलहाल तो यार आज की वाली वीडियो में इतना ही था, होप सभी को आज की वीडियो को पसंद आई हो, लाइक कर देना और यार चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटे का आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो को रिगार्डिंग आप लोग कुछ भी डाउट हो तो उनसे आप लोग कमेंट पूछ सकते हो। तो अब लोग किसी और या औसम सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।